क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होने जा रहे हैं। रविवार शाम 5 बजे के बाद से कल प्रचार का शोर थम चुका है और अब सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। इसके साथ ही दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 198 पुरुष हैं और 25 महिला हैं। प्रथम चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं और 20,84,675 महिला मतदाता हैं। वहीं प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विधानसभा क्षेत्रों में यानी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 10 सीटें ऐसी हैं, खासतौर से मोहला मानपुर, अंतागढ़ विधानसभा, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा। यहां पर 3 बजे तक मतदान होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में यहां पर 5 बजे तक वोटिंग होगी और 7 नवंबर यानी कि कल पहले चरण का मतदान होना है। 20 सीटें मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल समेत ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कल जनता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। तो 10 सीटों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, ठीक सुना आपने, और बाकी 10 सीटें यानी 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो 7 के बाद इसके बाद दूसरे चरण का भी चुनाव होगा। 17 नवंबर वो तारीख है जब दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। इस दौरान 40,78,681 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और छत्तीसगढ़ की ही अगर हम बात करें तो वर्तमान में राजनीतिक स्थितियां इस तरह की हैं कि भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, जेसीसी जे है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है और जीजीपी है। ये तमाम वो दल हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो भाजपा में 90 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं भाजपा ने इस समय। कांग्रेस ने 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। तो मतदान दल रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहले चरण का रन शुरू होने वाला है। पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो राजनांदगांव जिले की भी 4 सीटों पर प्रत्याशी इस समय अपने भाग्य, उनका भी जो भाग्य है वो ईवीएम में कल कैद होगा। और अलग अलग हम क्षेत्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से हालात बने हैं। हमारे साथ पंकज भदौरिया दंतेवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। पंकज, क्या जानकारी, क्योंकि मतदान दल जो है वो पूरी तरह से अब रवाना हो चुके हैं, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और आपके क्षेत्र की बात करें तो कितने संवेदनशील इलाके हैं, कितने अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर टाइट सिक्योरिटी है? लोकतंत्र के महापर्व में जुटने के लिए दंतेवाड़ा की जनता तैयार हो गई है और इस महापर्व की तैयारी के लिए आप देख रहे हैं कि इस समय मैं डाइट में मौजूद हूँ जहाँ पर मतदान दल मतदान पेटियों को लेकर के निकलने की तैयारी कर रहा है। दंतेवाड़ा में कुल 273 मतदान केंद्र बने हैं। देख सकते हैं कि ये चारों ओर मतदान दल यहाँ पर मौजूद है और मतदान दल तैयारी कर के अपनी अपने मतदान केंद्रों पर निकल रहा है। ये बसें लगी हुई है, इन्हीं बसों पर मतदान कर्मी पूरी तरीके से बैठ करके निकल रहे हैं और दंतेवाड़ा में कुल 273
मतदान केंद्र बने हुए हैं, जिसमें से 150 एकदम अति संवेदनशील मतदान है और 63 अति संवेदनशील मतदान है। यहाँ पर 7 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अब की बार अपने पोलिंग बूथ से शिफ्ट किए गए हैं, हालांकि पिछले बार 21 मतदान केंद्र शिफ्ट किए गए थे। सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो दंतेवाड़ा एसपी से हमारी बात हुई है, हमारे साथ दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी मौजूद हैं, उनको ही हम सीधे लाइन में लेते हैं और जानते हैं सुरक्षा के किस तरह। आपका स्वागत है बहुत बहुत आईएनएस चैनल में। सर बताइए, सुरक्षा का किस तरीके से इंतजाम है यहाँ पर इस बार? सुरक्षा में सभी प्रकार के बल, जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, हमारा जिला बल का है, एसटीएफ है, कुबरा है, सीआरडी है, सभी प्रकार का बल सभी एरिया में तैनात है। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखा गया है, उसी के अनुसार तैनात किया गया है सुरक्षा बल को। सर दंतेवाड़ा में बहुत सारे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया है, किस तरीके से निपटेंगे हम उनसे? ऐसे क्षेत्रों को विशेषकर पहले से चिन्हित कर प्लानिंग किया गया है, उसी के हिसाब से अलग से उनका प्लान बनाया गया है ऑपरेशन के साथ साथ एरिया डोमिनेशन और रोड सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उसी के अनुसार तैनात किया गया है। जी पंकज, तो पंकज हमें बता रहे हैं कि किस तरह से 273 मतदान बूथ बनाए गए हैं, 150 संवेदनशील वो क्षेत्र हैं, 63 अति संवेदनशील हैं, और नक्सलियों ने जिस तरह से चुनावी बहिष्कार की धमकी दी है, उसे देखकर लब लगेगा कि किस तरह से यहां पर स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और राजनांदगांव से हमारे साथ अक्षय साहू भी जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थितियां यहां पर बन रही है। अक्षय, क्या जानकारी, क्योंकि राजनांदगांव वो क्षेत्र और ऐसे में 4 विधानसभा जो सीटें हैं वो वहां से आती है, एक लोकसभा की सीट भी यहां से आती है, तो किस तरह की तैयारियां हैं, मतदान दल किस तरह से जागरूक है, किस तरह से एक्टिव है? मतदान सामग्रियों की जो मतदान सामग्री होने वितरित किया जा रहा है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जिले में 840 मतदान केंद्रों का वो किया गया है, जिसमें 166 जो है अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए 3115 मतदान अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई इस इलाके में? जी यहाँ पे असम से, बिहार से और भी प्रदेश के बाहर से भी सुरक्षा दलों को बुलाया गया है, जिसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो बकरकट्टा सालेवारा का क्षेत्र है, मानपुर मोहला का क्षेत्र है, यहाँ जो दूर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, जिसके लिए सुरक्षा दलों की तैनाती की गई है। लगभग 6000 सिपाही जो है, जो सैनिक जो है, वो बाहर से भी बुलाए गए। तो बिल्कुल सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई। अक्षय में बता रहे हैं कि किस तरह से हालात यहां पर बन रहे हैं, तैयारियां किस तरह से बनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहां पर व्यवस्थाएं, क्योंकि 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की वोटिंग होनी है। तो मोहला मानपुर अंतागढ़ विधानसभा वो क्षेत्र है, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जगदलपुर की भी अगर बात करें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जीवानंद हलदर, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जीवानंद, क्या जानकारी, क्योंकि आपके इलाके की अगर बात करें, बस्तर क्षेत्रों की बात करें, तो अति संवेदनशील और संवेदनशील सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम? जी निश्चित रूप से, देखो कि कल मतदान होने वाला है और इसे लेकर जो शासन प्रशासन सख्त मुद्दे नजर आ रहा है। अगर जगदलपुर विधानसभा की बात करें, बस्तर में 3 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ चित्रकूट है अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जो 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के मतदान किया जाएगी। और अगर जगदलपुर और बस्तर की बात कीजिए, सामान्य क्षेत्र है, लेकिन इसको लिए भी पुलिस प्रशासन अपने सुरक्षा इंतजाम किया गया है। करीबन 600 मतदान केंद्र ऐसी है जहाँ पे 3 लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और 15 ऐसी मतदान केंद्र है जहाँ पे महिला कमांडो को तैनात की जा रही है। यह पहली बार बस्तर के लिए है जहाँ महिलाओं के द्वारा, महिला कमांडो के द्वारा ये मतदान सम्मान कराया जा रहा है। अगर संवेदनशील की बात की जाए, संवेदनशील क्षेत्र चित्रकूट विधानसभा है, जिसे देखते हुए जो सुरक्षा बल है वहाँ पर 2 दिन पहले से वहाँ पर भेजा गया है, और यही कारण है कि अब मतदान होना है, इसे लेकर तमाम तो सुरक्षा और तैयारी पूरी हो चुका है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो मतदान दल है वो अपने अपने जगह पे अपने अपने
क्षेत्र में रवाना किया जा रहा है और एक एक दल के साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है ताकि जो मतदान है वो मतदान अच्छी से कराया जा सके। हमारे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो वाहन है वो वाहन में कई मतदान जो दल है उसमें मौजूद है और ये आप अपने मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे जहां सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल के साथ ही ये मतदान शुरू कर देंगे और चित्रकूट में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वही जगदलपुर और बस्तर की बात करें, जगदलपुर और बस्तर में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के मतदान कराया जाएगी और जहां अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां 2 दिन पहले ही हेलीकॉप्टर से मतदान दल को रवाना किया गया है और जहां कम संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भी डीआरजी एसटीएफ तमाम जो बल को लगाए गए। वही बस्तर आईजी भी सुंदरराज ने भी अपील किया है कि ये मतदान जो है ना शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए और इसके लिए जो अंतर राज्य है वहां पर भी सीमाओं को सील कर दिया गया, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, वहां का जो स्पेशल फोर्स है वो वहां पर तैनात किया गया है ताकि बस्तर एक अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यही कारण है कि सुरक्षा का पुख्ते इंतजाम के साथ यहाँ पर जो बीडीएस टीम है वो भी सड़क और बोल पुलिया को चेक कर रहे हैं ताकि जब मतदान दल यहाँ से रवाना हो जाएगी उसकी वाहन हो जाएगी किसी प्रकार की नक्सली वारदातें ना हो, इसके लिए रोड पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है, अगर ड्रोन यहाँ का ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही जो हेलीकॉप्टर है वो भी उसके द्वारा भी यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ ड्रोन से निगरानी की जा रही है 600 मतदान केंद्र और 3 लेयर में सुरक्षा। हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि चित्रकूट सुरक्षा बल जहां पर 2 दिन पहले से ही यहाँ पर तैनात है सुरक्षा कर्मी और पल पल पर चप्पे चप्पे पर निगाहें नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनन तमाम जानकारी के लिए। तो 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं और अपने भाग्य की किस्मत का फैसला जो है वो उनका ईवीएम में कल कैद होने वाला है। तो शांतिपूर्ण मतदान किया जाए ये अपील भी बस्तर के आईजी लगातार कर रहे हैं। सुंदरराज भी पहले चरण की 20 सीटों पर कल मतदान होना है, लगातार हम व्यवस्थाएं आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह के लेयर में सिक्योरिटी टाइट है और कई अति संवेदनशील इलाके हैं। दंतेवाड़ा की अगर बात की जाए तो 273 मतदान बूथ बनाए गए हैं, 150 ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से पुरजोर टाइट कर दी गई हैं। 63 अति संवेदनशील इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भी सुरक्षा पूरी तरह से एक्टिव है, सुरक्षा कर्मी एक्टिव है, नक्सली लगातार चुनाव बहिष्कार का अपील भी करते रहे। अब देखना होगा इस बीच किस तरह की स्थितियां बनती है, लेकिन INH 24/7 के माध्यम से हम आप सभी से अपील करते हैं अगर आप इस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो कल मतदान करने जरूर जाएं। तो छत्तीसगढ़ में 7 के बाद 17 नवंबर को मतदान होगा दूसरे चरण का चुनाव परिणाम, हालांकि 3 दिसंबर को आएगा और कांग्रेस की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है। कवर्धा से हमारे सहयोगी संजय यादव हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं कि कल के लिए बेहद खास दिन है? बिल्कुल, 7 नवंबर के पहले चरण मतदान के लिए पूरी तैयारी हो गई है और आज जो है सरकार बने थे मतदान जो है वो मतदान सामग्री है वो लेकर के अपने अपने मतदान के लिए और रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कबीरधाम जिले में करीब 804 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 804 मतदान दलों को आज सामग्री वितरण किया जा रहा है, उन्हें रवाना भी किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, कपड़ा गाय किया है सुरक्षा के जवान, 4000 जवान तैनात किए गए हैं मतदान को पूर्ण रूप से कराने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग मतदान केंद्र भी बनाए गए, जिसमें संगवारी मतदान केंद्र तकरीबन दोनों विधानसभा केंद्र 10 संगवारी मतदान केंद्र, उसके अलावा युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी स्थितियां दिख रही हैं। कवर्धा की जानकारी दे रहे थे, 4 मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है, मतदान केंद्र कई तरह के बनाए गए हैं और मतदाता जो है वो खासतौर से उनको जागरूक भी इसके पहले किया गया था, तो युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए। तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, मुस्तैद है तैयारियां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल के
मतदान के लिए तैयारियां हैं, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई अलग अलग क्षेत्रों में, और इस बार का चुनाव बेहद खास है, नजर लगातार बनी हुई है। तो दिलचस्प चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में।